If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. 난 부를 거야. 나만 날 부를. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सैटरडे से, और हस्बैंड ने जो है ना रात को मुझे फरमाइश की कि यार मुझे पराठे खाने का दिल चाह रहा है, तो फ्राइडे की रात को। तो मैंने कहा, उस वक्त ऑलमोस्ट कोई 12 बजे का टाइम हो रहा था, मैंने कहा कि चलो यार पराठे वैसे तो हम फ्रोज़न खाते हैं, तो क्योंकि हफ्ते में एक बार ही खाते हैं, वीकेंड पर ही खाते हैं, तो इसलिए फ्रोज़न जो है ना वो सही रह जाते हैं, काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। तो फिर आज फ्रोज़न भी ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने जो है रात को आटा वगैरह गूंद के फिर मैंने रख दिया था। और फिर आलू के पराठे बनने थे, तो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर आलू भी मैंने बॉईल कर लिए, और लाइक बेसिकली आलू का जो ये मिक्सचर है ये भी मैंने रात को बना के फ्रिज में रख दिया था, ताकि मैं सुबह उठूँ तो मुझे खाली पराठे बनाने होंगे। खैर आज बस वही रूटीन थी कि सुबह उठे और फिर हम लोग जिम गए, फिर जिम से आने के बाद मैंने ये क्विकली पराठे बना लिए। तो खैर ये मिक्सचर वगैरह बना हुआ था, आटा गुंदा हुआ था, तो बस मुझे निकाल के पराठे बनाने ही थे। तो और ये देखें मैंने ना फॉर्क से इसको जो है ना मैं किनारे इसके अच्छे से सील कर देती हूँ, तो इससे फिर पराठे जो है ना उसका मिक्सचर निकलता नहीं है बाहर, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आज हम जा रहे हैं बाहर और कुछ बहुत सारे काम हैं आज वैसे हमारी लिस्ट के ऊपर, तो ग्रॉसरी जो है वो मेन नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है ग्रॉसरी की, तो वो जो है वहाँ पर सिटी सेंटर जा रहे हैं हम, तो वहाँ से ले लेंगे। बाकी ये कि बैंक के कुछ काम हैं वो हमारे मेन हैं, और 1-2 और भी जगहों पे जाना है। कुछ मैंने ना चीज़ें ली थी TK Maxx से और न्यू लुक वगैरह से, तो वो मतलब मुझे रिटर्न करवानी है, एक्सचेंज करवानी है, नॉट रिटर्न बट एक्सचेंज करवानी है, तो वो भी करवाएँगे। और तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको भी अपडेट देते हैं कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। और आज जो है सैटरडे था, तो हमने सुबह में जो है ना बिल्कुल एक प्रॉपर देसी नाश्ता किया। वैसे तो खैर हम वीकेंड पर देसी नाश्ता ही करते हैं, लेकिन आज जो है वो काफ़ी लाइक नॉट सो ऑयली, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा ऑयल रखा था, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली आलू के पराठे इज़ हैवियर, तो हमने वो खाए। साथ में जो है ना दही का रायता था, वो साथ में जो है वो उसके साथ बहुत मज़े के लग रहे थे, काफ़ी गैप के बाद मतलब हमने बनाए थे। तो आज ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह से, और खूबसूरत वाली धूप निकली हुई है। ये देखें, आप देखें, ये देखें, तो काफ़ी गर्म है। और तो मैंने जो है ना आज स्वेटर पहना है, ठीक है, एज़ यूजुअल, क्योंकि मुझे सर्दी लगती है, ठीक है, और नॉट गोना लाई बट द वेदर इज़ सो नाइस, सो सनी, आई लव दिस काइंड ऑफ वेदर, यू ऑल नो अबाउट इट। खैर तो ये सीन है। बाकी है कि और क्या प्लान है आज हमारा। लास्ट वीक हम जन्म गए थे, यहाँ पर इधर ही है, बिल्कुल इसी स्टॉप पर उतरे थे, पिछले वाले स्टॉप पे, तो वहाँ पर हम लोग गए थे और कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। और प्लान तो था कि हम इस वीक जाएंगे वहाँ, लेकिन बस फिर अब जो प्रायोरिटी पे थी चीज़ें, तो हमने कहा कि पहले वो कर लें, तो वो वहाँ पर जो है वीक के बीच में तो शायद नहीं चक्कर लगेगा ऑब्वियसली, तो नेक्स्ट वीक को हम वहाँ चले जाएंगे वीकेंड पे, ठीक है। डनम से तो मुझे कुछ बर्तन लेने, इरादा था कि रेंज पे भी चेक कर लेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। रेंज जो है वो बिल्कुल मतलब एक दूसरी साइड पर है, लाइक हमारा बीच में घर है और रेंज इस साइड पर है लेफ़्ट पे, और सिटी सेंटर इस साइड पे है राइट पर, तो वो लाइक एक बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो जाता है। और तो इस तरह से ना काफ़ी फिर लाइक बहुत मतलब मसला होता है जाना उस साइड पर, तो लेकिन ये कि या लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तो मुझे कोई खास समझ में भी नहीं आए थे। तो जब तक जो है ना आप फिज़िकली ना लो, देखकर प्रॉपर आपको डिज़ाइन समझ में ना आए, तो वो फिर लाइक मसला ही रहता है हमेशा। उस वजह से कितना अच्छा लग रहा है ना पार्क में, देखो कितना बड़ा पार्क है यार, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि पार्क्स पे बहुत काम किया हुआ होता है, यहाँ पर आपको पार्क मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगी, इट्स वेरी गुड ऑब्वियसली फॉर योर आइज, तो देख के ना दिल खुश हो जाता है। अच्छा वो देखें सामने शादी हो रही है, मैंने कहा आपको भी दिखाएं, ये देखें, 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 वाओ। यहाँ पर शादियाँ इतनी सिंपल होती हैं यार, आई रियली लाइक द फैक्ट अबाउट इट, कि यार मतलब इतनी सिंपल तरीके से ये लोग शादी करते हैं, बट लाइक ओनली योर फ्रेंड्स एंड इमीडिएट फैमिली, नॉट लाइक अस। 500, 600, 1000 और 2000 तक गेस्ट लिस्ट होती है इतनी लंबी, और वो फंक्शंस इतने होते हैं 3, 4, 4, 5 फंक्शंस। अगर आई एम नॉट अगेंस्ट जो करते हैं ऑब्वियसली उनकी अपनी हर एक की अपनी होती है, लेकिन पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज ऑल दीज 4 to 5 इवेंट्स। तो खैर बाकी है कि मैंने तो खुद अपनी शादी का इवेंट एक बड़ा इवेंट एक किया था और सिंपल घर पे निकाह किया था द वे आई वांटेड यू नो, तो एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक की अपनी होती है चॉइस ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। अगर मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है, आप लोगों को खाना खिलाते हैं एंड देन लाइक दे जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, और आप इतना अमाउंट पे करते हैं उन इवेंट्स के ऊपर, इतना खर्चा करते हैं, इट्स जस्ट टू मच फॉर द पेरेंट्स ऑब्वियसली जो बेचारे इतना जमा करते हैं और फिर लगाते हैं। चलते हैं सिटी सेंटर तो फिर दिखाते हैं आपको। बाकी ये कि आई ट्राई टू ब्लॉग टुडे सो या स्टे ट्यून्ड। टीके मैक्स पे जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कपड़े रिटर्न करने थे हस्बैंड को, तो फिर मैंने कहा कि चलो यार आप ट्राई करके देख लो कुछ और जो भी आपको पसंद आ जाए। तो फिर वो देख रहे थे अपने लिए, तो हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए थे और तो फिर अब वो ट्राई आउट करेंगे ऑनलाइन जो है वो फिर हम लेंगे। तो फिर बस यहाँ से कुछ कपड़े लिए थे हस्बैंड ने अपने लिए, बिकॉज़ अभी यूके का वेदर भी चेंज हो रहा है और सर्दी थोड़ी बढ़ रही है, तो उस लिहाज से कुछ वो अपने लिए देख रहे थे और फिर ऑब्वियसली उनको कुछ वैसे भी ऑफिस के लिए चाहिए थे, तो बस यही चल रहा था यहाँ पे। मैंने कहा आपको अपडेट दे दी जाए। न्यू लुक पे कुछ चीज़ें रिटर्न करनी थी वो भी कर दी, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसके बाद हम लोग जो है शॉर्मा खाने के लिए चले गए थे। ट्विंकल शॉर्मा यहाँ पर बहुत फेमस है, जो लोग अगर ब्रिस्टल में रहते हैं तो उनको ज़रूर पता होगा यहाँ पर। तो वो खाया हमने और काफ़ी अच्छा होता है और हलाल था, तो हमने वो खाया। न्यू लुक पे चीज़ें वगैरह रिटर्न करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। फिर एक दो और चीज़ें देख रहे थे वहाँ पर जो कि फिर समझ में नहीं आई, और फिर टीके मैक्स पे हस्बैंड के कुछ कपड़े रिटर्न करने थे तो मैंने उनके लिए ख़रीदे थे, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा उनको अच्छे नहीं लग रहे थे पहन के। खैर तो वो रिटर्न कराए। फिर एक्सचेंज में कुछ बाय भी करनी थी चीज़ें, तो वो कर ली फिर हमने। तो वहीं पे थोड़ा सा टाइम लग गया, कुछ मैंने अपनी चीज़ें एक्सचेंज करनी थी वो की, तो अलहमदिल्ला वो हो गई हैं, सारे कपड़े रिटर्न वगैरह हो गए जो काम थे, मेजरली सारे काम हो गए। अभी जो है हम यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आए हुए हैं एक्चुअली, और तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। बाकी एक भी हम आए हैं यहाँ पर, देखते हैं एक दो चीज़ें और फिर बताएंगे आपको कि क्यों। तो ये अपडेट है, फिर बताते हैं आप, शेयर करेंगे मैं आपके साथ। सो या तो ये सारी अपडेट थी। और अब जो है ना अंधेरा स्टार्ट हो गया है, अभी 5:30 बजे का टाइम है ना, 5:30 या 6, ये 6 हो रहा है। ओके, मेरी घड़ी जो है ना पता नहीं टाइम उसका ख़राब हो गया है, तो अभी मैं उसको सेट करूँगी, लेकिन अभी जो है ना 6:10 का टाइम हो रहा है। तो और आपको पीछे देखें कितना अंधेरा सा फील हो रहा है ना। तो खैर बहरहाल अभी आज या कल में जो है ना टाइम भी चेंज हो जाएगा यहाँ यूके का, तो फिर उसमें ये कि हमारी जो घड़ियाँ हैं वो आगे चली जाएंगी, नहीं सॉरी पीछे हो जाएंगी। जैसे कि अगर अभी 6 बज रहे हैं तो इस वक्त यहाँ पर 5 बजे का टाइम होगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट होता है, और एनर्जी को सेव करने के लिए, और फिर अंधेरा जो होता था तो उसको बैलेंस करने के लिए, तो सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा यानी कि, तो ये सीन है। कभी जो है ना हम लोग कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं, और कैफे नेरो आई थिंक यहाँ से 2 से 3 मिनट दूर है, वो सामने ही है। खैर तो ये सीन है। बाकी है कि अभी जो है ना रात में रश देखें आप, यहाँ पर काफ़ी रश दिख रहा है, और ऑल्दो आज ऑब्वियसली वीकेंड है तो वीकेंड की वजह से जो है ना काफ़ी रश है, तो इस साइड पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इस साइड पर आगे जो है ना ये मॉल है बेसिकली, इस वजह से यहाँ पर ना काफ़ी रश होता है। और ऑब्वियसली आज वीकेंड भी है तो वीकेंड पे तो कुछ ज़्यादा ही रश होता है, वैसे तो खैर वीकडेज़ में भी मैं आई हूँ दोपहर में, तो तब भी यहाँ पर काफ़ी रश होता है, तो हर वक्त ही रश होता है यहाँ पर। हाँ चैरिटी शॉप है, तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी बेसिकली हैलोवीन चल रहा है यहाँ पर। 31 अक्टूबर को जो है ना हैलोवीन है ना, तो यहाँ पर जो है ना हर लोग जो है आपको हैलोवीन के लाइक कॉस्ट्यूम में आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। मैंने कहा अपडेट दे दी जाए, तो अभी हम जो है ना यहाँ पर आए कैफे नेरो पे, बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और हम पी रहे हैं कॉफ़ी। बाकी यस, मैंने लिया है चाय लाटे। लास्ट टाइम जो है ना मैं रामेश के साथ आई थी। रामेश अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी फ्रेंड है, जो कि मेरा ख्याल है कि मैंने पहले अपने कुछ ब्लॉग्स में, एक ब्लॉग में मतलब मैंने उसको मिलवाया भी था आप लोगों से, तो उसके साथ हम लोग आए थे। मैं इसी वाले में आई थी, वहाँ पर बैठी थी, तो खैर उसके साथ आई थी, तो उसने मुझे चाय लाटे से इंट्रोड्यूस करवाया था। आई नेवर हैड दिस बिफोर इन माई इंटायर लाइफ, बट When I tried it, I was like, it is good. तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने आज भी वही ट्राई किया है, क्योंकि एक उसकी रीज़न ये है कि मुझे अच्छा लग गया था, दूसरा सर्दी हो रही है बाहर, ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो गर्म पी लेते हैं। आइस्ड लाटे जो है वो नहीं पीऊँगी क्योंकि सर्दी लग रही थी मुझे, इस वजह से। हमें जिम भी जाना था, हम कपड़े लेकर आए थे जिम के, लेकिन हम जा सकते हैं अगर कहो तो, थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, आधे घंटे कल चलते हैं। अब मैंने कहा है तो अब नहीं जाना, टाइम क्रॉस होने के बाद जाना। जिस जिम पे हमने मेंबरशिप ली हुई है वो 24/7 ऑन होता है, और लेकिन जो है ना हम जो है अगर 5 बजे का टाइम गुजर गया, ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। खैर तो ये सारे सीन है, बाकी अब देखते हैं। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉबेबली हम घर के लिए ही निकलेंगे, तो ये सीन है। अच्छा दिन गुजरा आज, काफ़ी बाहर आना चाह रही थी मैं कुछ दिनों से ना, मैं यार आई वॉन्ट टू गो आउट। फिर सैटरडे आ गया, तो आज फिर हमने सोचा चलो यार आज मौका भी है, महल भी है और दस्तूर भी है। तो खैर अभी कॉफ़ी चाय लाती दूँगी, और ये सीन है। तो सी यू इन अ बिट, बाय। भाई इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए प्राइमार्क पे, क्योंकि हमारी बस में अभी टाइम था, तो हमने कहा कि वाई नॉट टू विज़िट प्राइमार्क और उनका होम सेक्शन जो है ना। वैसे यूजुअली मुझे अभी तक आज भी कोई भी चीज़ मुझे यहाँ से कोई समझ में आई नहीं है, लेकिन ये कप जब मैंने देखे ना तो मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके अंदर ना ये रेड भी है, ठीक है, इस तरह के रेड कलर है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा क्यूट लगा। मैंने पहले ये देखा तो मुझे अच्छा लगा, जब मैंने ये देखा तो ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा वाई नॉट टू गिव लाइक वीडियो बनाते बनाते बीच में जो है ना वीडियो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इस मोबाइल की स्टोरेज जो है वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। इसके बावजूद कि मैंने अलग से स्टोरेज ख़रीद रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो ख़त्म हो जाती है। खैर तो बस ये प्राइमार्क का एक हल्का सा टूर मैंने दे दिया, और ये कप मुझे पसंद आ गया तो मैंने ये ख़रीद दिया। तो बस ये सीन था, बाकी ये कि इस ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, and we'll see you in my next video. Till then, Allah Hafiz and bye bye.